आज हम लेके आए हैं एक मज़ेदार सा सैंडविच जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और एकदम हेल्दी सा अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स में देना हो या ब्रेकफास्ट में देना हो, चटपटा सा कुछ खाने का मन एकदम परफेक्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाया हमने मज़ेदार सा सैंडविच। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। बबीता किचन में को फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, बबीता किचन में जो रेसिपी आई है वो मज़ेदार सा वेज सैंडविच है जो बच्चे बड़े सबको पसंद आता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाया है। यहाँ मैंने एक प्याज बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको कद्दूकस किया मोटे वाला, और दो खीरे इसको भी बिल्कुल कद्दूकस किया है। बाकी हरी मिर्ची, टोमेटो केचप, ग्रीन चिली सॉस है, ये चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो मिक्स है, और ये चाट मसाला, नमक मिर्ची और थोड़ी सी मलाई। जी फ्रेंड्स, आज हम इसको एक नए तरीके से मलाई वाला सैंडविच बनाएंगे जो बहुत ही यम्मी लगता है और हेल्दी होता है। और यहाँ वेजिटेबल्स आप और ऐड कर सकते हैं, यानी गाजर, शिमला मिर्ची। सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में हम सारी वेजिटेबल्स को डाल देंगे, फिर इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाल लेंगे। और मैंने यहाँ एक याद रखिएगा फ्रेंड्स, खीरे को जब कद्दूकस करेंगे तो उसका पानी अच्छी तरह निचोड़ लीजिएगा, और मिर्ची का भी। अब हम इसके अंदर डाला है चाट मसाला, मिक्स हर्ब्स, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। यह हरी मिर्ची भी डाली है तो रेड चिली पाउडर बहुत कम, मैंने 1/4 टेबल स्पून ही डाला है, तो ना ज़्यादा ही तीखा हो जाता। और हाफ टेबल स्पून डाली है मैंने ग्रीन चिली सॉस, और यहाँ डालेंगे हम रेड चिली सॉस, यहाँ टोमेटो केचप, यहाँ 2 चम्मच भर के मैं टोमेटो केचप डालूंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और हमें ब्रेड के ऊपर कोई सॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सॉस वगैरह सब अंदर ही डाल देंगे। और डालेंगे यहाँ फ्रेश मलाई, ये फ्रेंड फ्रेश मलाई है, इसको थोड़ा सा मैंने फैट लिया था, अब वो मैं इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच डाल दूंगी। इससे इसका काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आएगी और काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम क्रीमी क्रीमी सा। कोई चीज़ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना, तो इससे ही काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। सब चीज़ को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और बहुत ही सिंपल है, सारी चीज़ अच्छी तरह मिक्स करनी है। ये देखिए सारी चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं, और कितना अच्छा सा इसका टेस्ट कलर और वो आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि हमने ओरिगैनो डाला है मिक्स हर्ब्स, तो उससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और खुश स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और ये हमारी स्टफिंग एकदम रेडी है। अंदर की स्टफिंग हमने मिलाई डाली थी इसलिए मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना क्रीमी सी, वाओ, ना मैं मेयोनी डालूंगी ना कुछ, आज मलाई से ही बनाएंगे। स्टफिंग एकदम रेडी हो गई है, ब्रेड एकदम रेडी है। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और इसके जो साइड्स होते हैं कॉर्नर, उनको हम कट कर लेंगे, क्योंकि सैंडविच में कॉर्नर अच्छे नहीं लगते इसलिए इसको साइड हटा देंगे। और ये कॉर्नर आप फेंकेगा नहीं, आप इसे ब्रेड क्रम्स में भी बना सकते हैं इनका, या फिर जो मैंने कल अपनी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ब्रेड की साइड से कितना अच्छा सा स्नैक्स बनाया था वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इसका शेयर करूँगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर कभी भी आप कुछ बनाते हैं सैंडविच वगैरह तो इसकी साइड्स को आप फेंकें ना, इसकी साइड से एक मज़ेदार स्नैक्स बना सकते हैं। अब इन ब्रेडों के ऊपर मैंने ये स्टफिंग जो ली है अच्छी तरह से भर के इस पर लगा देंगे। इनके अंदर हमें ऊपर कोई और सॉस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सॉसेस हमने इसके अंदर डाल दी है, बट अगर आप कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ग्रीन चिली, जो ग्रीन सॉस होती है तो हम चटनी बनाते हैं हरी चटनी धनिया वाली, तो वो डाल सकते हैं, पर मैं बिना सॉस लगाए ही बनाऊँगी क्योंकि मैंने अंदर सारी सॉस ऐड कर ली है। लीजिए मज़ेदार सा हमारा सैंडविच रेडी है, मलाई सैंडविच, वेज मलाई सैंडविच। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसको सेक कर भी खा सकते हैं। अब ये जो हमने गोल वाले कटिंग करी है, मैंने कुछ की गोल कटिंग कर ली है, उसके ऊपर भी इसको स्प्रिट करेंगे अच्छी तरह से, और हमारा सेकंड भी गोल वाला सैंडविच भी रेडी है। ये देख सकते हैं कितना यम्मी सा लग रहा है। अब यहाँ मैं इनको थोड़ा सा सेक लूँगी, ये देखिए इसके ऊपर मैंने बटर लगा के इसको तवे पे सेक रही हूँ। आप इसको सैंडविच मेकर में भी सेक सकते हैं, अच्छी तरह से दोनों साइड से दबाते हुए और घी या बटर लगा के
सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकेंगे जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। सिकने के बाद कई लोगों को ब्रेड अच्छी नहीं लगती कच्ची, तो सेक के खा सकते हैं, नहीं तो जिनको ऐसे भी खाना है तो ऐसे भी सैंडविच खा सकते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं थोड़ा सा सेकूँगी और थोड़े बिना सेके दोनों तरफ से रख देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकेंगे और दबाते हुए सेकेंगे जिससे कि खुले ना, क्योंकि तो हमने कोई चीज़ वगैरह ऐड नहीं करी ताकि चिपक के रहे ब्रेड। हम इसको मलाई से बनाया है, अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे। फ्रेंड्स में दो तीन बातें ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप सब्जियां डालोगे तो उसे पानी कद्दूकस करने का पानी निकलता है तो उस पानी को अच्छी तरह निकाल देंगे जिससे कि स्टफिंग पतली ना हो, और दूसरी बात जब भी सेकेंगे तो उसे दबाते हुए सेकेंगे ताकि ये हमारा खुले ना। लीजिए हमारा रेडी है, वीडियो यहाँ तक देखिए तो अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी तो फटाफट रिक्वेस्ट है आपसे जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कृपया करके अपना सपोर्ट दिखाइए, मेरे साथ कनेक्टेड रहे ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप देख सके और इन्जॉय कर सके। लीजिए मज़ेदार से हमारे वेज मलाई सैंडविच एकदम रेडी हैं, कितना ही प्यारा सा कलर आया है और जितना देखने में सुंदर लग रहा है खाने में भी उतना ही सुंदर है, उससे ज़्यादा स्वाद है। तो आप भी अपने बच्चों के लंच के लिए, अपने इवनिंग ब्रेकफास्ट के लिए इजी सा ये सैंडविच बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। आज वैसे भी इंडिपेंडेंट डे है तो हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, और अपने बच्चों को मज़ेदार सा स्नैक्स मील दीजिए जिससे बच्चे भी खुश और आप भी खुश, क्योंकि कम मेहनत में इतना टेस्टी सा खाना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे।